भाई इन्होंने पठान का ट्रेलर निकाला, बहुत जबरदस्त, चलो मान लिया बहुत तगड़ी चीजें हैं, इंटरनेशनल टाइप की वाइब आ रही हैं। लेकिन भाई साहब तमिल सिनेमा ने क्या किया, निकाल दिया कोटेशन गैंग का टीजर। और भाई क्या ही टीजर है। अब देखिए बॉलीवुड के बादशाह दैट इज अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन ने जो कहा है उसके बाद तो आप कहेंगे बॉलीवुड कुछ करने की कोशिश करता है भाई साहब टॉप नॉच की, इस बार तो साउथ को हरा देंगे, इस बार तो भाई पैन इंडिया रिलीज को हम ना घुटने टिका देंगे। लेकिन ये लोग भाई साहब एक कदम आगे ही हैं। भाई इन्होंने पठान का ट्रेलर निकाला, बहुत जबरदस्त, चलो मान लिया बहुत तगड़ी चीजें हैं, इंटरनेशनल टाइप की वाइब आ रही हैं। लेकिन भाई साहब तमिल सिनेमा ने क्या किया, निकाल दिया कोटेशन गैंग का टीजर। और भाई क्या ही टीजर है। अब देखिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, लेकिन बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी हस्ती है जिसको बिग बी बोला जाता है दैट इज अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन ने जो कहा है उसके बाद तो आप कहेंगे कि भाई दिस इज क्लियर विक्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा, कन्नड़ा, मलयालम, किसी भी तरीके से तेलुगु हो या फिर हो वो मराठी, इन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। देखिए कोटेशन गैंग के ट्रेलर को देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी प्यारी चीज कही। उनका कहना था कि दे वर ऑलवेज अहेड, दे आर ऑलवेज अहेड एंड दे विल ऑलवेज बी अहेड। देखिए अगर इंडियन सिनेमा में एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1912 में पहली इंडियन फीचर फिल्म आई थी जो हिंदी में थी, 1912 में रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्रा, और 1916 में आई थी पहली साउथ इंडियन फीचर फिल्म की चाकवदम। और उस दिन के बाद, उस साल के बाद रीजनल सिनेमा हमेशा आगे ही रहा है। न्यू बेशक भाई साहब हिंदी फिल्मों ने रखी हो, लेकिन उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन इंडस्ट्री से फिल्में उठा उठा कर कॉपी करते रहे हैं हर एक इंडस्ट्री के लोग। बाकी जनता अगर आपने भी कोटेशन गैंग का ट्रेलर देख लिया है तो आप मुझे अच्छी अच्छी अपने रिएक्शन जरूर बताइए कि रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए। एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसा डार्क ड्रामा, नहीं था ना? चलो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्द। बाय बाय।